हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना शौकीन्स। आज के इस सफर में आज हम मैंगो के सीजन में भरा पड़ा है मार्केट इस समय आम से तरह तरह के, तो हम उसी की एक रेसिपी जो कि है ड्रिंक, बहुत ही फेमस ड्रिंक फ्रूटी बनाने जा रहे हैं, जो कि बच्चों से लेके बड़ों को बहुत पसंद आती है, सभी इसे बड़े चाव से पीते हैं। इस समय आपका जो फ्रिज है आम से भरा पड़ा होगा, किसी के गांव से, किसी के घर में ही लगे पेड़ से आम इतने टूटते हैं कि फ्रिज भर जाता है। अब हम ये सोचते हैं उसका क्या करें, खाने के साथ खाया जा रहा है, मैंगो शेक बना के पिया जा रहा है। एक बार आप इसकी फ्रूटी भी बना के पीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हम फ्रूटी बनाना। ये जो हम मैंगो फ्रूटी बनाएंगे ना, उसके लिए हमें चाहिए 2 पके हुए आम। आम आप किसी भी वैरायटी के ले सकते हैं, इस समय दशहरी भी आ रहा है, बड़ा मीठा होगा, अल्फेंजो, जो भी आम आपको मीठा वाला मिलता है वो। 2 आम और 1-2 पके आम और 1 कच्चा आम जो रहता है वो हमें चाहिए होगा, ये रेशियो है। करेंगे इन दोनों पके आम और ये जो कच्चा आम है, इसका हम पल्प निकालेंगे छील करके, इसे पील करके, और फिर देखिए क्या मजेदार ड्रिंक ये बनने वाली है। इस तरीके से हम इसका ये छिलका हटा लेंगे। पल्प इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने सारा पल्प ले लिया है, पके हुए आम का और कच्चे आम का। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रेशर कुक करेंगे। इसमें हम अपने कुकर में इसे ऐड करते हैं और इसके अंदर हम ये 1 कप जो हमारा आरओ का वाटर है वो लेंगे, ऐड करेंगे। इसका ढक्कन लगा के इसे हम तेज आंच पे 1 सीटी लगाएंगे और उसे बंद कर देंगे। आंच करेंगे बिल्कुल तेज, फ्लेम हमें तेज कर देनी है, और इसमें 1 विसल आने के बाद हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। हम गैस कर देंगे बंद और अब इसे कम्प्लीटली ऐसे ही ठंडा होने देंगे पूरी तरीके से। आप इसकी प्रेशर भी ना निकालिएगा और इसको ऐसे ही अपने आप ही नेचुरली ठंडा होने दीजिए। हमारा ये जो कुकर है ठंडा हो चुका है, अच्छे से हमारे कुक हो चुके हैं, कच्चा आम भी अच्छे से गल गया है। अब क्या करते हैं, हम इन्हें अपने मिक्सर ग्राइंडर, जो ये ग्राइंडर है, हम इसके अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं और इसे अब हम पीसेंगे। हम इसे पीसते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है, बहुत ही झटपट बनने वाली ये है हमारी फ्रूटी, होममेड फ्रूटी। अब हम इसे इस स्ट्रेनर की मदद से इसे छानेंगे। मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है, अगर इसके कोई रेशे रह जाता है, छिलका रह जाता है, वो हम इस स्ट्रेनर की मदद से वो हट जाएगा। थोड़ा सा पानी मैंने ये इसके अंदर कप में डाल के सारा ये इसमें से स्ट्रेन आउट कर लिया है। इस तरीके से कुछ भी मोटा मोटा पल्प जो रह जाता है थोड़ा बहुत अगर है, तो वो इसके अंदर हट जाएगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा, नीचे अच्छा स्मूथ पल्प चला गया, ये हमारे मुंह में भी नहीं आएगा। ठीक है, कितना गाढ़ा ये हमारा पल्प हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है, मीठा आम था 2 और 1 खट्टा आम था, अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा मीठा और मिलाना पड़ेगा इसे बैलेंस करने के लिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं,
मैं इसके अंदर ये 3/4 कप पिसी हुई चीनी मिलाऊंगी, क्योंकि अगर आपने साबुत मलाई चीनी तो काफी देर लगेगी उसे इसमें घोलने में, इसलिए मैंने पाउडर्ड चीनी का पाउडर लिया है, चीनी थी उसे पीस लिया, तो ये मैंने 3/4 कप चीनी ली है। आप इसकी मिठास को देखते हुए कम ज्यादा चीनी कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, इसे हम अच्छे से इसके अंदर घोलेंगे। नॉइज डिस्टरबेंस के लिए वेरी सॉरी, क्योंकि ये मम्मा की किचन है तो इसमें थोड़ी बहुत नॉइज आना वाजिब है। देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ हमारा इसमें ये मेल्ट हो चुका है। आप इसकी रंगत देखिए, कलर देखिए इसका, बिल्कुल बाजार वाली जो फ्रूटी है उस जैसा कलर है। साइज नींबू है, इसका हम आधा पार्ट इसमें ऐड करेंगे, तो इसका आधा नींबू का रस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम अच्छे से मिला देंगे। डालूंगी अब 3 कप चिल्ड वाटर, बर्फ अवॉइड करिएगा। ये देखिए हमारी बाजार से भी बढ़िया, बेहतर, टेस्टी, सेफ, बिल्कुल नो प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज किया है हमने नींबू। हमारी फ्रूटी तैयार है। इस फ्रूटी को आप ऑफिस गोइंग है तो कम से कम 1 महीने के लिए एक कांच की बॉटल में भर के बड़े आराम से फ्रीज में रख सकते हैं और मजे में शाम को आके ठंडे ठंडा फ्रूटी पीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये सर्व कर सकते हैं। और मेरे जो चंगू मंगू हैं दोनों बेटे, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे करते हैं सर्व। वाह, 2 पके आम, 1 कच्चा आम, आधा नींबू, चीनी और 1 लीटर पानी से ये जो बाजार वाली फ्रूटी है आप बड़े आराम से घर में बना सकते हैं और टेस्ट इतना लाजवाब कि बस आप पूछिए नहीं। मजे लीजिए इस ड्रिंक का, बनाइए, पिलाइए, गर्मी से बचिए और बस मौज लीजिए गर्मी की छुट्टियों का। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही जल्दी से जल्द उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का आप बटन दबाइएगा जिससे कि मेरे आगे आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी रेसिपी आपसे चूके नहीं। और फिर मिलते हैं, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, जाने के लिए मुझे आपको बाय बाय कहना पड़ेगा, बाय बाय कहना पड़ेगा जाकर वापस आने के लिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय बाय।